मायापुरी न्यूज़ में आपका स्वागत है, मैं हूं छवि। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। नो मेकअप लुक में करीना कपूर हुई ट्रोल। एक्ट्रेस करीना कपूर खान पति सैफ अली खान और बेटे तैमूर अली खान संग इन दिनों लंदन में हैं। एक तरफ जहां सैफ जवानी जाने मन की शूटिंग में बिजी हैं, वहीं करीना डांस रियलिटी शो डांस इंडिया डांस के लिए मुंबई और लंदन ट्रैवल कर रही हैं। इसी बीच अब करीना की एक फोटो वायरल हो रही है। तस्वीर में करीना नो मेकअप लुक में नजर आ रही है। फोटो को करीना के फैन पेज से शेयर किया गया है, लेकिन करीना का ये लुक लोगों को रास नहीं आ रहा है। लोग करीना को ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, करीना अब आप बूढ़ी हो गई हो, पहले जैसी बात नहीं रही अब, बुढ़ापा, ओल्ड करीना, प्लीज डाइटिंग बंद कर दो करीना, आंटी लग रही हो, जैसे कमेंट एक्ट्रेस की तस्वीर पर मिल रहे हैं। हालांकि कुछ लोग करीना के सपोर्ट में भी आए, लोगों को करीना का सिंपल और नो फिल्टर वाला लुक पसंद आया। चर्चा में है कंगना रनौत का एयरपोर्ट लुक। कंगना रनौत को बीते दिनों मुंबई एयरपोर्ट पर साड़ी में स्पॉट किया गया। उनकी ये फोटो तब वायरल हुई जब कंगना की बहन रंगोली ने एक्ट्रेस की तस्वीर शेयर करते हुए ये बताया कि कंगना ने 600 रुपए की साड़ी पहनी है। खबरों की माने तो कंगना ने जो बैग लिया था उसकी कीमत लाखों में है। रंगोली ने कंगना की ऑफ क्रीम साड़ी में तस्वीर शेयर की। रंगोली ने लिखा, कंगना ने हाल ही में कोलकाता से 600 रुपए की साड़ी खरीदी। इस साड़ी को पहनकर वो जयपुर में होने वाले एक इवेंट के लिए रवाना हुई। ये जानकर मुझे हैरानी हुई कि इतनी कम कीमत में अच्छी क्वालिटी का ऑर्गेनिक कॉटन कैसे मिल सकता है। रंगोली ने इसके बाद ये ट्वीट किया कि कृपया अपने कारीगरों का समर्थन करें, इससे पहले कि इंटरनेशनल ब्रांड उनसे ये सब छीन ले। तस्वीर में कंगना ने अपने लुक को ब्लैक ट्रेंच कोट, ब्लैक हील्स और बैग के साथ स्टाइलिश लुक दिया था। कंगना के प्राडा ब्रांड के ब्लैक बैग की कीमत तकरीबन 2 लाख बताई जा रही है। नेशनल अवार्ड मिलने पर आयुष्मान खुराना ने बढ़ाई अपनी फीस। फिल्म अंधाधुन के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड अपने नाम करने के बाद आयुष्मान ने अपनी फीस भी बढ़ा दी है। खबर है कि आयुष्मान अब एक एडवर्टाइजमेंट के लिए करीब 3.5 करोड़ रुपए की बड़ी रकम चार्ज कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आयुष्मान पहले अपने एक एडवर्टाइजमेंट के लिए 90 लाख से 1 करोड़ चार्ज करते थे, लेकिन अब आयुष्मान की टीम ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी एडवर्टाइजमेंट को 3.5 करोड़ रुपए से कम में नहीं करेंगे। आयुष्मान के एडवर्टाइजमेंट की फीस बढ़ाने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि वो फिल्मों में भी अपनी फीस बढ़ा सकते हैं। आयुष्मान के फिल्मोग्राफ की बात करें तो उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्म दी है। आयुष्मान की हिट फिल्मों की लिस्ट देखकर उनकी फीस का बढ़ना कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। गर्लफ्रेंड दीवा धवन से शादी करने जा रहे हैं आदित्य रॉय कपूर। बॉलीवुड के टैलेंटेड हैंडसम हंक आदित्य रॉय कपूर के कुछ फैंस इस खबर को सुनकर खुशी से झूम उठेंगे तो कुछ का दिल टूट जाएगा। खबरों के मुताबिक आदित्य ने अपनी कथित गर्लफ्रेंड दीवा धवन से सगाई कर ली है और दोनों साल 2020 में शादी कर लेंगे। बता दें कि आदित्य और दीवा की तरफ से अभी इस बारे में कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है। आदित्य रॉय कपूर काफी सीक्रेटिव इंसान है और उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा बात करना पसंद नहीं है। पिछले एक साल से खबर चल रही है कि दीवा धवन और आदित्य एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। करण के चैट शो में भी आदित्य ने दीवा के सवाल पर कहा था कि वो सिर्फ उनकी अच्छी दोस्त हैं। पोशंपा में नजर आएंगी माही गिल। अभिनेत्री माही गिल जल्द ही डिजिटल फिल्म पोशंपा में नजर आने वाली हैं, जिसमें वो एक मराठी यौन कर्मी की भूमिका निभा रही हैं। माही ने बताया, एक अभिनेत्री के रूप में मैं काफी भूखी हूँ और मैं बहुत आसानी से मना नहीं करती, क्योंकि मुझे एक ही तरह की पटकथाएं और भूमिकाएं मिल रही हैं। लोग मुझे तभी फोन करते हैं जब उन्हें एक कामुक महिला की भूमिका में किसी को लेना होता है जो बोल्ड और ब्यूटीफुल दिखे। ईमानदारी से कहूँ तो हमेशा सेक्सी दिखना बोरिंग है। मेरा मतलब है कि मैं कैसी दिखती हूँ, मैं उससे कहीं ज़्यादा हूँ। मैं एक अभिनेत्री, एक परफॉर्मर हूँ। धीरे धीरे मैं चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं निभाना शुरू कर रही हूँ। अनुष्का शर्मा की बिकनी फोटो पर बन रहे हैं फनी मीम्स। अनुष्का शर्मा ने ऑरेंज और व्हाइट कलर की स्ट्रिप बिकनी पहनी है। अनुष्का की बिकनी को वीएलसी मीडिया प्लेयर से कंपेयर किया जा रहा है। लोग अनुष्का शर्मा की तस्वीर को वीएलसी मीडिया प्लेयर का अपडेटेड वर्जन बता रहे हैं। एक यूजर ने सुई धागा वाली और बिकनी फोटो शेयर करते हुए लिखा, पहली तस्वीर जब ये आपकी गर्लफ्रेंड है, दूसरी तस्वीर जब ये आपकी एक्स बन जाती है। वहीं एक यूजर ने अनुष्का शर्मा की तस्वीर के साथ एक सांप की फोटो शेयर की। पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, मेरा जवाब भी यही है कि कोई अंतर नहीं है। एक यूजर ने अनुष्का की फोटो को मछली से कंपेयर करते हुए लिखा, लगभग एक जैसी। यूजर ने लिखा, पहली तस्वीर स्टार प्लस के सीरियल में एक्ट्रेस, दूसरी तस्वीर रियल लाइफ में एक्ट्रेस। एक यूजर ने विराट की गुस्से वाली और अनुष्का की बिकनी फोटो शेयर करते हुए लिखा, अच्छी बात नहीं है ये। अक्षय कुमार ने ट्विंकल खन्ना के चैलेंज का दिया जवाब।
हाल ही में ट्विंकल खन्ना ने अपने पति अक्षय को सोशल मीडिया पर एक चैलेंज दिया था। अब ट्विंकल के इस चैलेंज के जवाब में मिस्टर खिलाड़ी ने भी अपना एक पुराना फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस फोटो में अक्षय कुमार घर के अंदर साइकिल पर बैठे नजर आ रहे हैं। दरअसल ट्विंकल ने अपने स्कूल की फोटो को शेयर करते हुए लिखा है कि स्कूल के दिनों में आप काफी कुछ सीखते हो जो बड़े होने पर आपको आगे बढ़ने पर मदद करता है। आज भी 5 में से 2 लड़कियां स्कूल पूरा नहीं कर पाती हैं, ऐसा क्यों है। अब अक्षय ने अपनी पत्नी के इस चैलेंज को पूरा करते हुए अपनी एक पुरानी फोटो शेयर की है। अक्षय ने ये फोटो शेयर करते हुए लिखा, अपनी बढ़ती उम्र में मेरा हमेशा स्पोर्ट्स के प्रति लगाव रहा था और मेरी माँ हमेशा ये ध्यान रखती थी मुझे पौष्टिक घर का बना खाना ही खाने को मिले, लेकिन 11,72,604 बच्चों को दिन में एक बार का खाना भी नसीब नहीं होता है। अब ये समय है पूछने का कि ये अंतर क्यों। फिल्म ड्रीम गर्ल का दूसरा गाना हुआ रिलीज। फिल्म अंधाधुन में नेशनल अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस देने के बाद आयुष्मान खुराना अब ड्रीम गर्ल लेकर हाजिर हैं। फिल्म में आयुष्मान का किरदार बेहद ही चार्मिंग है। फिल्म के ट्रेलर और फर्स्ट सॉन्ग राधे राधे के बाद अब नया गाना रिलीज हो गया है। गाने के बोल हैं दिल का टेलीफोन। नए सॉन्ग में आयुष्मान पूजा बनकर अपने क्लाइंट को रिझाते नजर आ रहे हैं। सॉन्ग के लिरिक्स काफी कैची हैं। गाने में आयुष्मान के एक्सप्रेशन भी किलर हैं। फर्स्ट टाइम आयुष्मान लड़की बनकर लोगों के दिलों पर राज करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। गाने को मीत ब्रदर्स ने कंपोज किया है। जोनिता गांधी और नक्श अजीज ने गाने को अपनी आवाज दी है। इस फिल्म में वो लड़की यानी पूजा बनकर कॉल सेंटर में काम करते हैं। लड़की की आवाज में सभी से बातें करते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना साड़ी पहने भी दिखेंगे। मायापुरी न्यूज में इतना ही। कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट।